रघुनाथ दास गोस्वामी कुंडों को बनाने के लिए गए, पहले तो कृष्ण राधा रानी का कुंड उधर बना दिया चौकुना करके। जब ये कुंड बनाने के लिए गए तो उसी समय स्वप्न आदिष्ट हुआ, जब हम लोग पांच वृक्ष रूप में भजन कर रहे। देखो ये जो वृक्ष है अप्रकट हो गया है, जिस समय हम पहले पहले गुरुदेव को साथ में आते थे ये वृक्ष जिंदा था, ये वृक्ष जिंदा था एकदम नीम वृक्ष। ये नीम वृक्ष कहते हैं, पंच पांडव लाइन में खड़े थे, ये वृक्ष कहते हैं गुरुदेव, ये पंच पांडव में कहते भीमसेन है, ये भीम का रूप है। दूसरे दूसरे जो वृक्ष था वो अंतर ध्यान हो गए, उनकी सिद्धि हो गई। जब लास्ट में भीम थे ये भी, इनका जब सिद्धि हो गई ये भी अंतर ध्यान हो गए। इसलिए और इसी कोणे में जब श्री रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे थे चाटू पुष्पांजलि, जिस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण दिया राधा रानी का छोटी कैसे मतलब बेणी बालांगिणी फणांग, उनका बेणी को साथ में उदाहरण दिया जैसे काल नागिनी के बराबर। तो उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को दिए, भैया ये ग्रंथ कैसे बना, देखो मतलब ग्रंथ तो तुमने बढ़िया बनाया लेकिन जो राधा रानी का चोटी कहाँ, राधा रानी प्रेम भक्ति रस स्वरूपिणी, तुमने चोटी को और कोई उदाहरण था नहीं, तुमने काला नागिनी के बराबर दे दिया है। लेकिन उन्होंने सही दिया, बोले क्योंकि स्त्रियों का जो सुंदरता केवल केस में है, अगर स्त्री जितना सुंदर की नहीं होगी तो केस काट दो ना, जिन उनको कोई नहीं पूछने वाले। इसलिए आप देखना जितने आठवा टाइप में वो केस के लिए जितने कौन सा साबुन लगाने पर बाल के सारे पैसा, तो ये साबुन साबुन में सारे पैसा उसी में ही केवल बाल का कटिंग में सब खत्म कर देते हैं। इसलिए सचमुच से राधा रानी का जो बेणी है वो काला नागिनी के बराबर, क्योंकि वर्णन आया है राधा रानी का केस कैसे है, अद्भुत रूप वर्णन किया है। कृष्ण का भी केस वैसे घूम डाली सुंदर सुंदर केस है, हाँ? इसलिए छोटी राधा रानी की यहाँ से लेकर चरण तक उनकी बाल है, हाँ? अभी तो सब आधा किया कौन सा इसलिए पहले सबके सब माताएं यहाँ से यहाँ तक छोटी होता था, ये सुंदरता है। इसलिए उन्होंने उनको पसंद नहीं आया, बोले कहाँ राधा रानी प्रेम स्वरूप तुमने छोटी को तुमने काला नागिनी के साथ बराबर कर दिया, बोले ये थोड़ा सुधर जाए। बोले भैया मैं कोशिश करूँगा सुधरने के लिए। जब से सनातन गोस्वामी रोज सनात परिक्रमा करते हैं गिरिराज गोवर्धन की, जब यहीं पर आए उन्होंने इसी कोने में ही देखा सुंदर कदम वृक्ष है, जहाँ पर सुंदर झूला डला हुआ जिसमें एक सुंदरी 13.5 साल की कोई किशोरी बैठी हुई, अगल बगल में कुछ सखियाँ उनको झूला में झूला रही हैं, और चोटी आप लोग चोटी को तीन चार करते ना, तीन उन्होंने राधा रानी का चोटी को तीन चार चोटी बनाए, जब झूला में बैठी हुई पीछे झूल रही है और ऐसे चोटी ऊपर से नीचे पतली होती है सांप जैसे, राधा रानी का केस तो एकदम पूरा काला रंग का एकदम, हाँ एकदम काले जैसे। जब राधा रानी को ऐसे झूला में झूला रहे थे ऐसे लग रहा था मानो तीन चार सांप पीछे से सड़े हुए उनको खाने के लिए चढ़े हुए। सनातन गोस्वामी देख करके बोले लाली लाली तुमको दिख नहीं रहा है तीन चार सांप चढ़े हुए पीछे। इतने में जब उनको पास में दौड़े ना राधा रानी थोड़ी सी मीठी मीठी हंस दिए, हंस करके सार लीला अंतर ध्यान हो गया। सनातन गोस्वामी बोले ये क्या मेरे को स्वप्न देखा, फिर उनको याद आया अरे हमने राधा रानी का चोटी को जो उन्होंने उदाहरण दिया है, हाँ उदाहरण दिया है, आज उनको जो दर्शन किया जैसे दर्शन की वैसे लिखे, साधारण कभी तो है नहीं अप्राकृत कभी है, इसलिए जैसे देखे वैसे लिखे, इसलिए राधा रानी प्रमाणित कर दिए नहीं रूप ने जो लिखा वो सही लिखा। फिर उन्हें रूप गोस्वामी को बोले रूप बदलने का जरूरत नहीं, तेरी कृपा से आज राधा रानी का हमें दर्शन हुआ है। इसलिए कहते इसी यही पर ही उनकी सलीला, इसलिए हमारे इसमें तो बहुत कुछ वर्णन किया हुआ कौन सा कुंड में कौन सा कुंड में किया क्या झूला पड़ा हुआ, कौन सा कुंड में अनंग मंजरी का पूज्य सब वर्णन किया गोस्वामी ने, पूरा डिटेल से वर्णन किया है। उधर जीवाशिला उस तरफ में जीवाशिला रखा हुआ गिरिराज का जो जीवा है, इसलिए ये चारी तरफ को एकदम वृंदा देवी चारी तरफ को बड़े सुंदर वृक्ष से, हाँ लता पताव से ऐसे उन्होंने सजाया। पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान राधा कुंड श्याम कुंड को बनाया, बोले क्यों, बोले राधा कृष्ण राधा कुंड श्याम कुंड में जो अष्टकाली जो लीला है ना आठ जाम को जो लीला है वो मध्यान्ह लीला यहाँ पर होता है। गुरुदेव कहते हैं मध्यान्ह लीला यहीं पर होती है और मध्यान्ह लीला सबसे लंबा है ज़्यादा समय, बोले यहीं पर स्थान काल पात्र से, बोले यहाँ पर पात्र मतलब कृष्ण का बोला अपना पक्ष गोपियों को लेकर यहाँ पर लीला करते हैं। यहाँ पर जैसे दूसरे दूसरे जगह पर जब लीला करते हैं कहीं पर जटिला कुटिला व्याघात कर देते हैं,
आ जाते हैं, लेकिन यहाँ योग माया ना पूरा चारों तरफ में सुरक्षित रखी है, उनकी इच्छा के बगैर यहाँ कोई घुस नहीं सकते। इसलिए राधा को भी तो जब और कहीं लीला करते कभी डर रहता है, अरे कभी जटला कुटला नहीं जाए, लेकिन यहाँ पर जब करते हैं निश्चिंत रूप में, यहाँ जटला कुटला कोई प्रवेश नहीं, निश्चिंत रूप में यहाँ पर वो जल विहार कुंज क्रीड़ा करते, इसलिए ये स्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थान माने गए। भले श्री राधा कुंड श्याम कुंड रघुनाथ दास गोस्वामी, यहाँ देखो अब वहाँ पता है ना, जिसमें जब रघुनाथ दास भजन कर रहे थे राधा रानी, उनका सर के ऊपर ऐसे कपड़ा छाया दिया, इसमें यही पर भजन कर रहे थे, कुटी में दर्शन कर लो, और जो पहले जो कुटी से दर्शन करके आए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानी जाती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर सारे ग्रंथ अंतर ध्यान हो जाए, केवल यही एक ग्रंथ अगर दुनिया में रहेगा तो सारे ग्रंथ का अभाव यही ग्रंथ पूरा करेगा। श्लोक समझना कठिन, लेकिन इनका जो प्यार है ना ये समझना बड़ा कठिन, ऐसे अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए उन्होंने जैसे सोने की कलसी में जैसे रत्न भर कर रखते हैं ना, उन्होंने सोने की कलसी में कृष्ण प्रेम रत्न रूपी चैतन्य चरितामृत रूप दर्शन रखे, इसलिए वो स्थान में और ये इनका भजन।